बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ पर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग किचन से। तो यहाँ पे देखिए छोटा से एक भगोने में चावल बन गया है और यहाँ पे मैंने डाला है अंडा उबालने के लिए। और यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले पहले से भून रही हूँ और इसको अभी पीसूंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सा एक अंडे का, उसको बोल सकते हो अंडा करी बोल सकते हो, सिंपल। उसमें कोई प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि है ना बहुत ज्यादा गर्मी है और इसीलिए मैं प्याज लहसुन ये सारी चीजें डाल के बनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मम्मी ने बोला कि सिंपल ही बनाना क्योंकि इतनी गर्मी में सबका पेट का हालत खराब है, तो इसी वजह से इस तरीके से मैं बनाऊंगी। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, तो ये मसाला थोड़ा सा भून जाए फिर मैं इसको निकाल के फिर पीस लूंगी और फिर रेसिपी स्टार्ट करूंगी। और दिशानी अभी उधर है, खेल रही है। और आज ना बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं आप लोगों को बोल ही रही हूँ 2-3 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, इसी वजह से मैं इन कपड़ों में ही आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जीरा, काली मिर्ची, 2 इलायची, लौंग 2-4 और बस थोड़ा सा दालचीनी, तो उसको मैं सूखा इसको अच्छे से तवा में सेक रही हूँ। और सेकने के बाद इसको मैंने निकाल लिया है और अब देखिए अंडा उबल गया है और चावल भी बन गया है। तो चावल और अंडे को मैंने गैस से नीचे रख दिया है और अंडे को मैं ठंडे पानी से धो रही हूँ ताकि अंडा ठंडा हो जाए और मैं छील सकूं। तो बस इसको मैं अब छील लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने छील लिया है, तो यहाँ पर मैंने 5 ही अंडे लिए हैं और यहाँ पर मैं उन मसालों को जार में डालकर देखिए पाउडर बना लिया है। और बस अब इसको रख दूँगी और फिर अब रेसिपी स्टार्ट करूँगी। तो इस तरीके का पाउडर बनेगा देखिए। तो अब देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और अब मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल इस पर और कढ़ाई गरम होने के बाद ही डालूँगी। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई तो गरम हो चुकी है, तो अब मैं तेल भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा तेल डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे फ्राई करने हैं अंडा। तो तेल गरम होने के बाद मैंने सबसे पहले नमक और हल्दी पाउडर डाल दिया है। मैंने अंडे के साथ नमक हल्दी पाउडर को पहले से नहीं मिलाया है, मैंने डायरेक्ट तेल पर ही डाल दिया है, तो इससे भी अच्छा हो जाता है। और तेल पे है ना नमक डालने से तेल की छींटे नहीं लगती है, तो इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैंने अंडे को डाल दिया है और देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है और साथ ही साथ में इधर मसाले वसाले जो भी है सब्जी के लिए वो सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए उधर अलग से अंडा भी फ्राई हो रहा है और अंडा फ्राई होने के बाद मैं अंडे को एक प्लेट पे निकाल रही हूँ और उसी तेल के अंदर मैंने थोड़ा सा और तेल डाल दिया है। तो देखिए बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लिया है और कम भी नहीं लिया है। और तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया है जीरा, तेज़पत्ता और सूखी 2 लाल मिर्ची और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है अंडा। तो बस अब अंडे को इसके अंदर डालने के बाद फिर मैं नमक डाल रही हूँ और हल्दी पाउडर और यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। और लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है घिसा हुआ 1 टमाटर और इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा, बस होममेड मसाला जो मैंने पाउडर बनाया है वो और ये बस, और इसके अलावा प्याज लहसुन कुछ भी नहीं, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पर कलर भी अच्छा आया है। तो ये जो सब्जी है ना ये चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर थोड़ा सा मसालों को पकाने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी, और पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मीडियम डालना है, और तरी थोड़ा कम ही हो क्योंकि इसमें तेल बहुत ज़्यादा है तो चावल के साथ मिला के हम लोग खा सकते हैं। तो बस अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ होममेड जो मसाला मैंने बनाया था उसको डाल रही हूँ, और इसको डालने से ही सब्जी के टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस मसाले के बिना ये सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, मैं पहले से आप लोगों को बोल देती हूँ। तो ये मसाला ज़रूर दे अगर आप लोग घर पे ट्राई करें तो। तो बस अब सब्जी का बनने का इंतज़ार है और मैं थोड़ा बहुत इधर उधर के जो बर्तन वर्तन हैं वो सारी चीज़ें इधर उधर कर रही हूँ। किचन पूरा बिखर जाता है खाना बनाते बनाते, आप लोगों को तो पता ही है। तो बस वही चीज़ें मैं जगह की चीज़ें जगह पे रख रही हूँ और साथ ही साथ इधर सब्जी में उबाल भी आ रही है, तो दोनों काम मैं एक साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने है ना कचड़े का डिब्बा पता नहीं कहाँ पे रख दिया है, धोया होगा तो इसी वजह से सुखाने रख दिया होगा। तो यहाँ पर मैं सारा
कचरा थैली में डाल के नीचे रख रही हूँ, बाद में फेंक दूंगी। और फिर जाके चॉपस्टिक वगैरह सारी चीज़ें मैं धो के रख रही हूँ, साथ ही साथ सारा काम करूँगी तो अच्छा रहेगा, बाद में मुझे ज़्यादा समटाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब बातों ही बातों में सब्जी में उबाल भी आ गई है। तो ये देखिए सब्जी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो ये सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और मैं ना अंडे की सब्जी बहुत झटपट 2-3-4-5 तरीक़ों से बना लेती हूँ, मसाले से, बिना मसाले से, और बहुत सारे तरीक़ों से, क्योंकि अंडा है ना मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैं अंडे को बहुत तरीक़ों से बना सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो बस देखिए यहाँ पर अंडे की सब्जी बन गई है, और साथ में इधर चावल भी बन गया है। तो मैंने चावल को नीचे रख दिया था, और बस अब थोड़ा सा और इसको उबाल आने तक वेट करूँगी और फिर इसको निकाल लूँगी। तो मैंने मसाला, थोड़ा सा सूखा मसाला और डाल दिया था सब्जी को निकालने से पहले। और यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा एक भगोना लिया है, और उसमें ये सब्जी मैंने निकाल लिया है, क्योंकि थोड़ा सा ही सब्जी है और इस थोड़े से में ही खाना सबका अच्छे से खाना हो जाएगा। तो अब मैं ऊपर से थोड़ा बहुत वही वाला मसाला छिड़का दूँगी, तो इससे होगा ये कि सब्जी की खुशबू और बहुत अच्छी आने लगेगी। तो देखिए अब सब्जी का कलर देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। और अब मैं सारा खाना टेबल पे रख दूँगी और फिर जाके हम सब लोग खाएंगे, इसीलिए तो एक एक करके मैं सारा सामान वहाँ पे लेके जाती हूँ किचन से, जो सब कुछ चाहिए खाना खाने के टाइम। तो आज एक ही सब्जी बनी है, और पहले से एक दो सब्जी रखी हुई है, तो बस अब रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स खाना तो बन गया है, और खाना बना रही थी मैंने सोचा कि मम्मी दिशानी के पास है, पर मम्मी और पापा दोनों ही ताईजी के घर पे है, और दिशानी आराम से सो रही थी। तो खाना बनाने के बाद मैं बुला रही हूँ मम्मी को, और मम्मी तो गायब। तो मुझे लगी है प्यास बहुत ही तेज, गर्मियों के मौसम में जल ही जीवन है। दिशानी को लाने के बाद मम्मी, वो भी घूम रही थी अब तक, और घूमने के बाद मैंने सोचा कि दिशानी सो रही है या फिर दिशानी है ही नहीं रूम में, जग जाएगी है, दिशानी है ही नहीं रूम में। पर आके देखा कि दिशानी अकेली सो रही है। मैं जब किचन में थी तब मुझे आवाज़ तो आ रही थी कि दिशानी घर पे आई है, पर मुझे ये नहीं पता था कि दिशानी सो रही है और मम्मी उसको सोते हुए रख के घूमने चली गई। और बाहर बहुत ज़्यादा मतलब तूफान चल रही है आजकल, है ना, तूफानों का दिन है, बहुत ज़्यादा तूफान चलती है, धूलों का वो भी। ये मैडम अकेली अकेली सो सो के हंस रही है, ऐसी सोगली सी लग रही है आज ही दिशानी। पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, और ठंडा पानी पीने में तो मुझे भी डर लगता है, आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा गला एक महीने से खराब हो रहा था, बस ठंडे पानी के वजह से या धूल के वजह से वो तो मुझे नहीं पता, पर ठंडे पानी पीने में भी मुझे अब डर लग रहा है कि ठंडा पानी पीने के बाद फिर ऐसा ना हो जाए कि गला फिर से ही मेरा खराब हो जाए। मम्मी को एक बार आवाज लगा लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मम्मी को आवाज लगा लिया है, मम्मी बोल रही है आ रही हूँ, और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख खाना बनाने के बाद। तो अभी मम्मी आएगी, फिर हम लोग सब बैठ के खाना खाएंगे। फ्रेंड्स हम सब लोगों ने खाना वाना खा लिए है, और खाना वाना खाने के बाद अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा नेल पेंट लगा लूं, मेरे नेल पेंट खराब हो रहे थे, और कल मुझे शादी में भी जाना है, तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना नेल पेंट लगा लूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इतने सारे कलर ले लिए हैं, तो इसमें 2 रेड है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कौन सा कलर लगाऊं। तो देखिए मेरा नेल पेंट है ना बहुत ही जल्दी जल्दी मतलब ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं बर्तन बर्तन धोती हूँ इसी वजह से निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर लगा रही हूँ, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं वही वाला कलर लगाऊंगी, वो ग्रीन, तो ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अच्छे से रहिए सब।